हर दिन हिंदुस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू होती है, एक नई चर्चा शुरू होती है, एक नया वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है और वातावरण बनाया जाता है नफरत का, वातावरण बनाया जाता है गुंडागर्दी का, वातावरण बनाया जाता है हिंसा का, वातावरण बनाया जाता है एक दूसरे को बांटने का। ऐसा ही एक और मामला अभी सामने आया है, आप सब लोग जानते होंगे, दादरी एकलाख हत्याकांड, जिसके अंदर एकलाख को गौ मांस के झूठे आरोप में कुछ बददिमाग लोगों ने मार दिया था, कुछ बददिमाग लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। और जब उस पर राजनीति शुरू हुई तो अलग अलग पार्टी के नेताओं ने जाकर उस पर संवेदना भी व्यक्त की, देश की मीडिया ने भी संवेदना व्यक्त की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लंबे समय तक खामोश रहे। देश के प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, कुछ भी नहीं बोले, और वो एक प्रकार से इशारा करते रहे कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हिंसा फैलाओ, नफरत फैलाओ, समाज को बांटो, ये हमारे देश की राजनीति होती जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सत्ता का पूरा सहयोग है। और अब ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है, अभी आज एक खबर आई है जिस खबर को पढ़ के आपको गुस्सा भी आएगा, नाराजगी भी मन में पैदा होगी और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस देश के अंदर कैसी न्याय व्यवस्था चल रही है, ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां पर एक लाख के कातिल को नौकरी देने की कोशिश की जा रही है, एक लाख का जो कत्ल हुआ वो गौ मांस के झूठे आरोप में हुआ, और जो उसका कातिल है, जो जमानत पर रिहा हुआ है, उसको सरकार एनटीपीसी में नौकरी देने की तैयारी कर रही है। तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, उनको हम रोजगार नहीं दे सकते जो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपने कोई हिंसा की है, कोई धर्म के नाम पर किसी को मारा है, किसी का कत्ल किया है, तो उसको सरकार एनटीपीसी में नौकरी दे रही है। एक उसी के आरोप, कत्ल के आरोपी के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। ये किस प्रकार की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हो रही है? एक लाख का पूरा मामला आप सारे लोग जानते हैं, उसका बेटा आज भी वायुसेना में नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, जिस देश के अंदर उसके बाप का कत्ल कर दिया जाता है, जिस देश के अंदर कुछ बददिमाग लोगों ने गौ मांस का आरोप लगाकर एक लाख का कत्ल कर देते हैं, उनके परिवार की ओर से आह निकलती है कि अगर ये गौ मांस जांच में नहीं निकला तो मेरे पिता को वापस कर दोगे क्या? आज सोचिए, वो लड़का वायुसेना में रह के देश की सेवा कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि हम किस न्याय व्यवस्था में जिंदा है, कैसे जंगल के कानून में जिंदा है जहां पर एक कातिल को सरकार नौकरी देने की तैयारी कर रही है, एक कातिल के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ये कोई धर्म का मसला नहीं है, ये कोई जाति का मसला नहीं है, ये न्याय का मामला है। अगर इस प्रकार से किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके उसका दमन किया जाता रहा, उसका शोषण किया जाता रहा, उसका कत्लेआम किया जाता रहा, उसके खिलाफ नफरत फैलाई गई, हिंसा फैलाई गई, तो याद रखिएगा ये बातें यहां तक रुकने वाली नहीं है। समाज में खाई बढ़ेगी, समाज में दूरियां बढ़ेगी, समाज में हिंसा बढ़ेगी और इसका अंत देश की बर्बादी, देश की बदहाली, देश के अंदर एक हिंसा और नफरत की स्थिति में पैदा होगी। और मैं समझता हूं कि जो भी संवेदनशील लोग हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे कि कम से कम ये तो नहीं हो सकता कि किसी कातिल को आप सरकारी नौकरी देने की तैयारी करें, किसी कातिल के परिवार को मुआवजा देने की तैयारी करें। अगर ये व्यवस्था इस देश के अंदर चलती रही तो याद रखिएगा, कल एक लाख के साथ हुआ है, आज आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा,
और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए साथियों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, हम सब 130 करोड़ हिंदुस्तानी, उनके दिल में भारत बसता है, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। और अगर इस हिंदुस्तान का भला हम चाहते हैं, अगर हम सबका साथ सबका विकास के नारे को सचमुच में सच करके दिखाना चाहते हैं, वो भाजपा ही नारा, खोखला नारा नहीं सबका साथ सबका विकास का, बल्कि वास्तव में जमीन में अगर हम इसको करके दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर, वो चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे सिख के साथ हो, चाहे ईसाई के साथ हो, या किसी भी हिंदुस्तानी के साथ हो।